वेलकम टू एवरीवन ऑन सक्सेस टेल्स। आज हमारी पूरी टीम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आज हमारे बीच हैं उत्तराखंड की शान, इंडियन टेलीविजन एंड इंडियन सिनेमा की मशहूर और आपकी सबकी पसंदीदा एक्ट्रेस मिस सुनीता रजवार। थैंक यू सो मच मिस सुनीता, शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला और हमारे इस मंच पर आई है मैम। देखो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हर बात में, हर इशू में दोनों पहलू बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। जितना एक एक्टर के लिए प्लेटफॉर्म जरूरी होता है, उतना ही आपके लिए भी एक जो है चैट शो या इंटरव्यू एक एक्टर के लिए जरूरी होता है। तो इट्स गिव एंड टेक। सो आई ऑल्सो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। Thank you, Welcome so much, ma'am, to Success Tales. And ma'am, जैसे हमने पढ़ा कि आप बरेली उत्तर प्रदेश में आपका बर्थ हुआ, फिर आप हल्द्वानी उत्तराखंड में आप पली बड़ी, तो आपका बचपन कैसे बीता उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। ओके, तो क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं हल्द्वानी बहुत बड़ा शहर नहीं है, बरेली में मेरी पैदाइश हुई और उसके बाद मेरे फादर ट्रांसफर हो गए थे, हम हल्द्वानी आ गए थे। और हल्द्वानी में उस समय तो बिल्कुल ही बहुत छोटा सा एक कस्बा था, वहां पर सिर्फ एक स्कूल था कॉन्वेंट का, निर्मला कॉन्वेंट, जहाँ पे हम लोगों ने एडमिशन लिया था। और हमारा जो घर था वो एकदम पहाड़ों की, जंगलों की तलहटी पे था, तो दूर दूर तक सिर्फ खेत थे और जंगल था और झोपड़ियां थी। और वो लोग रहते थे मोस्टली जो कि फार्मर्स थे या फिर जो गाय भैंस वगैरह पालते थे। और मेरे जितने भी दोस्त थे वो सारे के सारे मोस्टली कॉन्वेंट वाले तो शहर में रहते थे, हल्द्वानी सिटी में, क्योंकि हम बहुत काठगोदाम के पास हम रहते थे। तो मेरे जितने भी दोस्त थे वो सब मोस्टली सरकारी स्कूल वाले बच्चे थे। और लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग सब खेल खेलते थे और मैं उनको देख के ना मैं उनकी लाइफ से बड़ा जो है एक्साइटेड रहती थी। मेरी एक दोस्त थी पड़ोस की, जो मेरी अभी तक दोस्त है, जानकी उसका नाम था, उसकी मदर जो है वो सिंगल मदर थी और वो अपने बच्चों को घास काट के, लोगों के यहाँ खेतों में काम करके और गाय का दूध निकाल के वो बेच के काम करके पढ़ाती थी, पाल रही थी। तो बड़ी अजीब सी बात होती है ना, जब छोटे बच्चे होते हैं तो जो कुछ भी नया दिखता है वो एक्साइटिंग लगता है। Yes. तो जो मेरी दोस्त थी वो सरकारी स्कूल में थी और उनको ना जो है छुट्टी के समय और इंटरवल के समय खाने के लिए कभी पजरी मिलती थी, कभी दलिया मिलता था, एकदम सिंपल सा, और वो घर Yes. लेके आती थी और मैं उसके घर जाकर वो खाती थी। मुझे बड़ा मजा आता था, मैं वेट करती थी कि वो हर दिन किस दिन क्या लाई है। और उसकी जो, हम लोग माँ को ईजा बोलते हैं पहाड़ी में, तो उसकी जो ईजा है वो करीबन 11:30-12 बजे जंगल से लकड़ी घास काट के आती थी, फिर वो लोग खाना वगैरह बना के खाते थे। और वो लोग ना अपने रसोई में ही नीचे जमीन पर गर्मा गर्म, मतलब एकदम पका और बैठ जाओ खाने के लिए, तो ऐसे खाते थे। तो मैं हमेशा कोई ना कोई बहाना करके उनके घर चली जाती थी उनके लंच टाइम पे और मैं उनके संग बैठ के खाती थी। मुझे उसकी माँ के हाथ की बनी हुई कढ़ी चावल आज भी याद है और इतना मुझे टेस्ट आता था उसमें, तो बहुत मजे आते थे। मेरा बचपन जो है वो एक्चुअली पूरा उन्हीं लोगों के साथ बीता है और मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगता था कि वो लोग जंगल जाते हैं, लकड़ियां काट के लाते हैं। तो जब दोपहर में मेरे पेरेंट्स सो जाते थे, मम्मी सो जाती थी कि चलो तुम भी आराम करो, तो मैं और जानकी चुपचाप से हम जंगल से लकड़ी लेने चले जाते थे जिसका कोई मतलब नहीं होता था। हम थोड़ा 10 कदम जाने के बाद से ही हम लकड़ियां बीनना शुरू कर देते थे, वहां जाकर जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ते थे, जो वहां के जंगली फल होते थे 2-3 वो तोड़ते थे और बहुत मजा करते थे। रामलीला के दिनों में हम लोग सब जो है, क्योंकि अक्टूबर में तो पहाड़ों में ठंड हो जाती है, कोट और स्वेटर पहन के मफलर बांध के हम लोग रामलीला के लिए जाते थे। तो दिन में मम्मी बोलती थी सो जाओ अगर रामलीला जाना है, क्योंकि मोस्टली 9:30-10 बजे ही जाते थे। तो उन दिनों तो बहुत थोड़े से पैसे ज्यादा होते थे, 4-5 रुपए मिलते थे और हम लोग इमली खरीदते थे, मैं और जानकी, और हम मूंगफली खरीदते थे। बस हमारा काम एक्चुअली सिर्फ वहां जाके बैठ के मूंगफली और इमली खाना होता था, हमें रामलीला से उतना मतलब होता ही नहीं था। तो
मेरा बहुत अच्छा समय उन लोगों के साथ बीता, और ये बहुत अच्छा हुआ कि मुझे जो मेरा कॉन्वेंट स्कूल है, मुझे वहां से भी एक अलग तरह की तालीम मिली, अलग तरह के दोस्त मिले जो बहुत मतलब हाई स्टेटस वाले थे, और मुझे उसके साथ ना वो लोगों के साथ भी मैंने बहुत समय बिताया है। मतलब मैं उन लोगों को देख के मैंने धान भी लगाया है खेतों में, वो लोग कीचड़ में ऐसे इतने घुटने घुटने तक पैर होता था उन औरतों का, और वो लोग ऐसे धान लगाते थे, तो मैंने वो भी किया है। और मैंने कॉन्वेंट में बहुत अच्छे स्कूल बच्चों के साथ भी जो है बचपन गुजारा है, जो कुछ भी हमें स्कूल में सिखाते थे, जिम्नास्टिक सिखाते थे, डॉज बॉल सिखाते थे, तो वो सब फिर हम आकर अपने गांव के जो बच्चे थे और जानकी थी उनके संग वो सारी चीजें करते थे। वेरी नाइस मैम, यही मोमेंट होते हैं जो हमें हमेशा याद रहते हैं। बिल्कुल। तो मैम जैसे कि आपने बताया कि आप निर्मला कॉन्वेंट स्कूल में आप पढ़ी और आप बीबीएस कुमाऊं यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर आपने 1997 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया दिल्ली में ग्रेजुएशन की वहां से। तो ये आपको कब एहसास हुआ कि आपको फिल्म टेलीविजन में अपना करियर बनाना है? हल्द्वानी में तो कुछ ऐसा कल्चरल स्कोप था नहीं, तो जब मैं अपने मास्टर्स की डिग्री करने के लिए नैनीताल गई थी कुमाऊं यूनिवर्सिटी, तो नैनीताल में एक थिएटर ग्रुप है युग मंच जो आज भी कायम है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो लेट निर्मल पांडे एक एक्टर हैं जिन्होंने बैंडेड क्वीन, इस रात की सुबह नहीं, ऐसे काफी फिल्मों में काम किया है, वो एनएसडी के पास आउट थे और उस समय वो एक फेलोशिप प्ले कर रहे थे। तो उनको उनके प्ले में 3-4 फीमेल कैरेक्टर्स थे, तो एक तो उन्होंने वानिया जोशी को ले लिया था, शी वॉज डूइंग थिएटर टेलीविजन दैट टाइम, बाकी उनको और 2-3 कैरेक्टर्स के लिए फीमेल चाहिए थी। तो उन्होंने कॉलेज में लोगों को बोला था कि जो लोग स्टेज में जा सकते हैं, जिनको इंटरेस्ट है थिएटर करने का, वो मेरे पास आए, मेरे को चाहिए इस समय कुछ अपने कैरेक्टर्स के लिए लड़कियां। तो क्योंकि मैंने परफॉर्म किया था ऐसे, मैं डांस बहुत करती थी बचपन में, तो मैंने परफॉर्म किया था, तो मेरे पास उनके जो थिएटर ग्रुप वाले लड़के हैं वो आए थे, उन्होंने बोला कि हमें ऐसे ऐसे चाहिए। तो उस समय तक मुझे एनएसडी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैं, मेरी दोस्त दीपा, सीमा और नंदिता, हम लोग केपी हॉस्टल में रहते थे, हम लोग वहां से उनको मिलने गए, उन्होंने हमको अलग अलग रोल दिया हम सबको, और हम लोगों का इस तरह से जर्नी शुरू हो गया। क्योंकि हम हॉस्टल में रहते थे और जो प्ले की रिहर्सल होती थी वो शाम को होती थी, तो हमारी वार्डन ने हमें परमिशन नहीं दी थी, फिर हमारे थिएटर वालों ने गार्जियन बन के, कभी को हम किसी के घर में रहते थे क्योंकि वो लोग तो सब फैमिली के साथ ही रहते थे, या फिर ज्यादा रिहर्सल की जरूरत होती थी तो हम लोग एक रूम रेंट पे लेकर 3-4 लड़कियां वहीं पर ही रहते थे और होटल से खाना खा लेते थे, दिन में कॉलेज जाते थे, शाम को रूम में आके रिहर्सल वगैरह करते थे, फिर वहीं से ही वहीं रहते थे। तो वो प्ले जो है मेरी जिंदगी का पहला प्ले था निर्मल पांडे जी के फेलोशिप का, जिसका नाम था अजवा बफॉल, शैलेश मटियानी जी का। तो मेरा बहुत छोटा सा रोल था और मैं पूरा समय बहुत ध्यान से प्ले देखती थी क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था। म्यूजिकल प्ले करवाया था, उसमें गाना भी था, मूवमेंट भी थे, और मुझे पूरा प्ले याद हो गया था बाय हार्ट 3 घंटे का। मुझे सारे कैरेक्टर्स के डायलॉग, एंट्री, एग्जिट, एक्शन सब कुछ याद था। तो जब भी कोई एब्सेंट होता था एक्टर, तो मैं उसकी प्रॉक्सी देती थी, उसकी जगह वो रोल करती थी। तो रिहर्सल में मेरा इंटरेस्ट देखकर मुझे निर्मल पांडे जी ने और जो हमारे संस्थापक हैं, डायरेक्टर हैं युगमंच के, जहुद्दा ने, उन लोगों ने बोला कि तुमको इतना इंटरेस्ट है और तुम इतने शिद्दत से कर रही हो तो तुमको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन करना चाहिए, और उन्होंने ही मुझे प्रिपेयर भी कराया था एनएसडी के लिए। वाओ मैम, दैट्स सो इंस्पायरिंग कि आपको इतनी यंग एज में आपको ये एहसास हो गया था कि आपको आगे करना क्या है लाइफ में, क्योंकि यूजुअली यंगस्टर्स मिसगाइड हो जाते हैं और उन्हें काफी एज के बाद आके पता चलता है कि नहीं, पैशन तो मेरा ये था और मुझे ये परस्यू करना है। राइट मैम, जैसे जहां तक मैंने आपके बारे में पढ़ा है, आपका कोई गॉडफादर नहीं था बॉलीवुड में, कितना मुश्किल रहा आपके लिए अपनी जगह बनाना टेलीविजन एंड फिल्म इंडस्ट्री में एज अ न्यूकमर, एंड दैट टू कमिंग फ्रॉम अ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड? स्ट्रगल और मेहनत तो थी, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ बहुत सारे मामलों में।
तो जब मैं आई थी बॉम्बे, अपनी एक बैचमेट के साथ रही थी मैं यहाँ जयासील के साथ, और मेरे को एक मेरी फ्रेंड के बारे में पता चला था, अचिंत कौर, जो उस समय बहुत अच्छा सीरियल में उनका नाम था, बड़ा नाम था। तो मैं उनसे मिली और फिर मैं उनके साथ उनके सेट्स पे जाती थी। उस समय संजय उपाध्याय सर साया सीरियल बना रहे थे और वो बहुत अच्छा चल रहा था। तो इस तरह से मैं अलग अलग लोगों से मिलती रहती थी, नॉर्मल फोटोग्राफ्स खिंचवा के अलग अलग जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते थे उनको देती थी। मुझे जो पहला काम मुझे मिला था वो एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है वाणी त्रिपाठी, जो अभी पॉलिटिक्स में चली गई है, पर उस समय वो थिएटर करती थी और वो भी बहुत अच्छा काम कर रही थी, और वो एक क्राइम पेट्रोल कर रही थी, या शायद नहीं, सीआईडी का वो एक एपिसोड कर रही थी जिसमें अलग अलग कहानी थी, और उसमें उनको एक हार्नेस से लटकना था। तो शूटिंग से 2-3 दिन पहले उनके कुछ प्रॉब्लम हुआ और उन्होंने डायरेक्टर को बोला मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं हार्नेस से नहीं लटक सकती। तो उन्होंने बोला फिर आप ही अपनी जगह किसी को बताइए, हम किसको कास्ट करें। तो मैं उस समय उनके पास ही में रहती थी, यारी रोड इनलेक्स पार्क में, तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट कर दिया। उन्होंने बोला ये अभी फ्रेशर हैं और अभी अभी एनएसडी से आई हैं, तो आप इनको ले सकते हैं मेरी जगह। तो वो डायरेक्टर मेरे से मिले, उन्होंने मेरे से बातचीत करी और फिर उन्होंने बोला अगर तुम्हें वाणी ने सजेस्ट किया तो मेरे को तुम मतलब तुम्हारा ऑडिशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड आई जस्ट फॉर 3 or 4 days आई शॉट दैट सीआईडी की स्टोरी, और उनके संग मेरा वो प्रोडक्शन हाउस के संग डायरेक्टर के संग बीपी सिंह उनके संग बहुत अच्छा रिलेशन बन गया था। एंड ही लाइक मी वर्किंग ऑनेस्टली सिंपली, बिकॉज हम छोटे शहर के लोग बहुत नाइव होते हैं, हम बहुत ऑनेस्टली काम करते हैं, हम मतलब किसी को मक्खन नहीं लगाना, अपने काम से मतलब रखना, अपना काम अच्छे से करना। तो उसके बाद जब उन्होंने 1 साल बाद एक सीरियल बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा था अचानक 37 साल बाद, तो उसमें उन्होंने मुझे एक रनिंग रोल दिया और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग रोल दिया। तो इस तरह एक काम से दूसरा काम, उसी तरह मैं अचिंत के संग जाती थी उसके सेट पे, तो संजय उपाध्याय जी ने जब अपना एक शो बनाया तुम पुकार लो, तो उन्होंने भी मुझे फिर उसमें जो है एक सिमोन सिंह की फ्रेंड का रोल दे दिया। तो ऐसे धीरे धीरे करके मुझे काम मिलने लगा। राइट मैम, मैं देख रही हूँ कि किस तरह आपको अपनी लाइफ में आप जितने लोगों से जुड़ती रही हैं आप उन सबका नाम याद रख रही हैं और किसी को याद करना नहीं भूल रही हैं मैम। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है मैम, सही में, मैं सही में बता रही हूँ, आप इतनी हम्बल हैं इस बात से पता चल रहा है हमको भी, क्योंकि आप हर किसी को एक्नॉलेज कर रही हैं आपकी जर्नी में, जिस जिस से भी आप मिली हैं मैम। सो जैसे कि सुनीता जी, हम सभी की लाइफ में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है जिसे देखकर हम प्रेरणा लेते हैं, और सपोर्ट सिस्टम होता है जो हमारे ड्रीम्स और एस्पिरेशंस में बिलीव करता है। तो आपके रोल मॉडल और आपके सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताएं। मैं एक्चुअली मेरी जो पूरी फैमिली है वो मेरी रोल मॉडल भी रही है और बहुत सपोर्टिव भी रही है। आई थिंक 80% ऑफ मी इज बिकॉज ऑफ माय फैमिली। मेरी जो बहन है वो पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छी थी और वो टीचर बनना चाहती थी, वो टीचर ही बनी है। और मैंने जब मैं छोटी थी ना तो मैं बहुत अलग पर्सनैलिटी, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करती थी और बहुत जवाब देती थी। आई वॉज नॉट अ वेरी गुड किड, प्लेजेंट किड नहीं थी मैं। एंड माई सिस्टर वॉज टोटली अपोजिट, वो बहुत अच्छी सौम्य, पूरा उसको पड़ोस प्यार करता है, टीचर्स सारी प्यार करती थी, जितने भी मम्मी पापा के फ्रेंड्स होते थे वो सब उसे बहुत प्यार करते थे। तो आई हैव लाइक यू नो ऑलवेज दिस इज बाई गॉड्स ग्रेस कि मुझे ऐसा जो एक सिस्टरली कंपटीशन होता है या जेलिसी होती है वो नहीं हुआ। I just got inspired by her कि मतलब कि मुझे भी सब प्यार करें और मुझे भी सब पसंद करें, ऐसी वाली मेरे अंदर फीलिंग आई थी। Then I had a friend जिसके संग मेरी दोस्ती बहुत लेट शुरू हुई, माने कि I became friends with a girl called आरती भंडारी when I was in college। मतलब वो मेरे से निर्मला में भी थी, लेकिन हुआ ये था कि निर्मला में उसका सेक्शन अलग था, हमारा सेक्शन अलग था। तो आई न्यू हर बट आई बिकेम फ्रेंड्स विद हर व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज ग्रेजुएशन में। तो फिर मैं उसके घर जाती रहती थी, वो लोग 6 sisters थी, और जब मैं उनके घर में गई ना तो मैंने देखा उन सारी बहनों में बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत ज्यादा प्यार था। एंड दे वर थिक एंड
थिन विद ईच अदर, चाहे कोई भी बात हो, इतने सपोर्टिव रहे वो लोग। तो उनसे जो थोड़ा बहुत मेरी पर्सनैलिटी गड़बड़ थी ना, वो मैंने आरती लोगों की फैमिली में जाकर अपने को वो भी सुधार लिया। जो थोड़ा बहुत भी मैं जैसे अपनी बड़ी बहन को जवाब देती थी या घर में थोड़ा चिड़चिड़पन करती थी, दैट ऑल्सो इम्प्रूव्ड आफ्टर आई बिकेम फ्रेंड्स विद आरती भंडारी। तो ये सारे लोगों से मैंने सीखा। माई फादर माई मदर दे वर नॉट लाइक वेल एडुकेटेड बट स्टिल दे वर वेरी ब्रॉड माइंडेड। हमको जो भी हम कहते थे, हमें एनएसडी करना है, एनसीसी करना है या कुछ भी करना है, कॉल नैनीताल में जाके पढ़ना है, दे नेवर स्टॉप्ड अस। मुझे थिएटर करना है, थिएटर वर्कशॉप करनी है, दे नेवर डाउटेड अस, दे नेवर आस्क्ड मी कि वहां पे कितनी लड़कियां कितने लड़के हैं, तुम्हें कौन छोड़ने आया है, तुम किसके संग जा रही हो, नेवर एवर दे डाउटेड और यू नो क्वेश्चन्ड अस। सो जो भी कहा हाँ ये कर लो, तो इट वॉज अ वेरी बिग सपोर्ट इमोशनल और मतलब इवन मुझे मालूम है जब मैं कॉलेज में थी थर्ड ईयर, ये अपना ग्रेजुएशन कर रही थी थर्ड ईयर में, आई हैड स्टार्टेड टीचिंग इन डीएवी स्कूल किच्छा, बिकॉज कॉलेज में रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही थी और ऐसा अटेंडेंस का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था, सिलेबस एक साथ मिल जाता था, उसके बाद पढ़ाई सब अपने आप करनी होती थी। तो आई यूज टू गो एंड टीच, मैंने डेढ़ दो साल डीएवी किच्छा में पढ़ाया है, आई वॉज टीचिंग किड्स बट I started earning very early. फिर मैं जब नैनीताल कॉलेज में पढ़ने गई थी, कॉलेज के साथ साथ थिएटर करते थे और वहां पे जो जहूरदा है युगमंच के डायरेक्टर संस्थापक सब कुछ, उन्होंने मुझे बताया कैसे अशोका होटल वाले एक फीमेल रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं, तो I started managing that. I was manager in that restaurant also. So जो मेरे scholarship उसकी फीस थी, ये एनएसडी की एक सिक्योरिटी देनी होती थी, उस समय सिर्फ 2,500 थी, दैट आई अर्न फ्रॉम माय वर्क। सो बट द थिंग इज के यस, बिकॉज आई हैड माय पेरेंट, माय फैमिली वाज देयर विद मी। सो जब आपका ना परिवार आपके साथ होता है, फिर चाहे आपको कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, तो फिर आप उससे रुकते नहीं है या आप उससे हारते नहीं। So, as I said earlier also, I have been very lucky with family and friends. Right, ma'am. Very well said. Like, family is the most important part, plays a very important part in our life. Like, yes. अगर जिस उसके साथ क्या होता है कि हमारी problems, like हम कोई चीज करते हैं तो वो by heart करते हैं और free mind के साथ करते हैं, अगर हमारे parents हमारे साथ होते हैं, और वहीं पे अगर हमारा हल्का इधर उधर हो जाता है तो हमारे माइंड में एक स्ट्रेस तो वो ही रहता है साथ में, वो ही रहता है कि हाँ। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ है, तो हम जो कर रहे हैं वो अपने पूरे मन से कर रहे हैं, पूरे मन से कर सकते हैं, राइट। और अगर कोई गलती भी करते हैं ना, तो अपने पेरेंट्स के संग ओपनली आप बात कर सकते हो, आपको मालूम है कि मैंने ये गलत कर दी है, ये गलती कर दी है, बट देयर इज समवन हु कैन अंडरस्टैंड मी और हु विल सपोर्ट मी, हु विल बी देयर विद मी, राइट राइट। तो उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। यस मैम। सो मैम, जैसे कि हमने आपके बारे में पढ़ा था कि आपने 2001 से टेलीविजन में काम करना शुरू किया, और हम भी आपको काफी टाइम से जानते हैं, लाइक व्हेन वी आर किड्स तब से हम आपको टीवी सीरियल्स में देखते हैं। तो जैसे पहले आप उस तुम पुकार लो से लेके ये रिश्ता क्या कहलाता है में आपका धनिया का रोल था, देन फिर आपने 2012 और 13 में रामायण में मंत्रा का रोल किया, देन हिटलर दीदी में आपने जनुना धाई, और अभी हाल ही में आपने गुल्लक वेब सीरीज में बिट्टू की मम्मी का रोल निभाया है जी। तो आपने लगभग 20-21 साल टेलीविजन की दुनिया में तरह तरह के रोल्स किए हैं, तो आपको इन सब में से चैलेंजिंग रोल कौन सा लगा? एक्चुअली मैंने एक YouTube सीरीज करी है TVF के लिए जिसका नाम है द ग्लिच। अगर नहीं देखी है आपने तो देखना, द ग्लिच 3 ही एपिसोड है उसके। सो वो मैंने अभी लास्ट ईयर ही करी है, दैट वाज मोस्ट चैलेंजिंग बिकॉज उसमें आई एम प्लेइंग अ 70-75 ईयर ओल्ड लेडी, और उसमें जो स्टोरी है वो ये है कि मेरी जो ग्रैंड डॉटर है उसकी और मेरी स्पिरिट स्विच हो जाती है। So once that happens, I start behaving like my granddaughter, and my granddaughter behaves like me. So that was very, very challenging.
और उसके लिए हमें कोई टाइम नहीं मिला था प्रिपरेशन का. मतलब ये बात हुई कि ऐसे ऐसे एक सीरीज है ये करनी है, और उसके बाद ये हुआ कि हम 2-3 दिन बाद शुरू कर देंगे. तो ना मैं उस बच्ची को जानती थी जो मेरी ग्रैंड डॉटर बनी थी, तो आई हैड नो क्लू वो कैसे बोलती है, क्या मैनरिज्म है उसके, ना वो मुझे जानती थी. वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन सेट्स एंड देन वी स्टार्टेड शूटिंग. तो दैट वॉज वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर मी. दैट वॉज वेरी चैलेंजिंग. वो देखना yes, आपको बहुत पसंद आएगा. इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. यही लग रहा है कि वो इंटरेस्टिंग है. और ऑब्वियसली अगर हम किसी और के कैरेक्टर को बिना लाइक हम उससे मिले भी है और उसको कॉपी करना है तो वो इजीली नहीं, बहुत मुश्किल होता है. बहुत मुश्किल होता है. और मैं दादी बनी हूँ और वैसे भी आई एम ओल्ड, मतलब आई एम एन एजेड लेडी और शी वॉज यंग, शी इज यंग. और वो जो जितने भी डायलॉग्स थे वंस आई बिकेम हर, दैट वी आर ऑल व्हाट टुडेज किड्स बिल्कुल से, यू नो, उनका लिंगो ही अलग था, उनका लैंग्वेज अलग, उनका स्टाइल अलग और वो एक्सेंट अलग. सो फॉर मी इट वॉज रियली चैलेंजिंग टू कॉपी हर एंड टू डू हर पार्ट. ओके मैम. सो मैम आपने हॉरर ड्रामा सोनी टीवी के आहत और स्टार प्लस में आपने इश्क़ कोई है, और सोनी टीवी में आपने CID में काम किया जैसे आपने बताया, और इवन आपने सावधान इंडिया में भी काफी एपिसोड्स किए हैं. तो आप अपने वर्सटैलिटी के लिए घर में, काफी घरों में आप पॉपुलर हैं, तो ऐसे किस्म किस्म के किरदार आपने इतनी खूबसूरती आप इतनी खूबसूरती से कैसे निभा लेती हैं? देखो एक्चुअली क्या होता है कि जब मैं कॉलेज में थी, मैं थिएटर कर रही थी, तो थोड़ा बहुत क्या होता है एक्टिंग कैसे करनी है, NSD की वर्कशॉप्स की थी NSD करने से पहले, तो वो एक बेसिक नॉलेज थी. उसके बाद NSD में आए, 3 साल वहाँ पे ट्रेनिंग ली, और NSD में हम दिन रात सिर्फ एक्टिंग 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 यही सीखते हैं. वही खाते हैं, वही ओढ़ते हैं, वही लेके सोते हैं, वही पीते हैं, वही सूंघते हैं, उसी हवा में रहते हैं. तो वो हमको बहुत ज़्यादा जो है ट्यून कर देता है, बहुत रिफाइन कर देता है. हमारी इतनी सारी एक्सरसाइजेज होती हैं ऑब्जर्वेशन को लेके, और कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कैसे करना है, कैसे अपने आप को अलग अलग कैरेक्टर्स में ढालना है. स्पीच और डिक्शन की क्लास होती है, बॉडी लैंग्वेज की क्लास होती है. तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें बहुत हेल्प करती हैं. तो जब हमें कोई एक आउटलाइन दी जाती है कि ये कैरेक्टर इस तरीके का है, ये सीधा है या ये चिड़चिड़ा है या ये बहुत नेगेटिव सोचता है, तो वो ना अपने आप एक पर्सनैलिटी हम समझ लेते हैं, और फिर उस पर्सनैलिटी को समझते हुए हम सारी चीजें करते हैं. तो उसी तरह हो जाता है हमारे लिए एक्टिंग करना कि जैसे आप अगर जो रोज खाना बनाता है, अगर आप उसको बोलो कि आज बिरयानी बनानी है, तो वो बस थोड़ा टाइम सोचता है, अच्छा बिरयानी ये मसाला डालूंगी, ये डालूंगी, ये डालूंगी, इसको ये सब करूंगी, एंड दे मेक इट. उनको उनके लिए बहुत एफर्ट नहीं होता है. या आप बोलोगे आज राजमा चावल बना दो, आज तहरी बना दो, आज रायता बना दो, तो वो थोड़ा सा उसको समझते हैं और बना देते हैं. उनको मालूम है नमक ऐसे उठाते हैं, ढक्कन कितना नमक डालना है, मिर्च कितनी डालनी है, इसमें क्या डालना है, तुलसी डालनी है तो क्या स्वाद आएगा, सिनेमन डाल दिया तो मेरा फ्लेवर क्या हो जाएगा. तो उसी तरह एक्टर जब बहुत लंबे समय तक काम करते रहता है, पढ़ते रहता है, या अच्छी फिल्में या किसी भी तरह का थिएटर या कोई भी डांस ड्रामा कुछ भी देखता है, तो वो फिर उन सारी चीजों से एक नेचुरल तरीके से चीजें लेने लगता है, सीखने लगता है. और जब हम कुछ करते हैं तो वो अपने आप कुछ कुदरती ढंग से हो जाता है. जैसे मैम यूजुअली देखा गया है कि जब कोई एक्ट्रेस या एक्टर टेलीविजन में पॉपुलर हो जाता है तो उसे मेनस्ट्रीम सिनेमा में अपनी जगह बनाना मुश्किल हो जाता है. बट आपने टेलीविजन के साथ साथ इंडियन सिनेमा में भी कदम रखा, और आपने पॉपुलर मूवीज जैसे मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, 1:40 की लास्ट लोकल, केदारनाथ, स्त्री, बाला, शुभ मंगल, ज्यादा सावधान जैसी बेहद सक्सेसफुल मूवीज में काम किया है. कितना डिफरेंस होता है एक टेलीविजन सीरीज में एक्टिंग करना और एक मेनस्ट्रीम सिनेमा में एक्ट्रेस बतौर काम करने में? क्या डिफरेंस है मैम, आप क्या डिफरेंस महसूस करती हैं?
डिफरेंस बहुत होता है क्योंकि जो टीवी सीरीज होती है ना वो शुरू तो बहुत इत्मीनान से होती है लेकिन फिर वो धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि घास कटाई वाली बात हो जाती है क्योंकि उनको एक ही दिन के अंदर कल का एपिसोड रेडी करना ही करना है, भले ही वो लोग सीरियल टेलीकास्ट होने से 15 दिन पहले 20 दिन पहले बैंक बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन डेली जब एक शो जाता है ना तो उसको डेली अपने पास उसका बैंक रखना, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी कोई बात हो गई, कभी संडे हुआ, कुछ हुआ, कभी एक दिन गैप हो गया, नहीं शूट हो पाया, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए उनके पास बस जो 12-13 घंटे है ना उतना ही टाइम होता है, उसमें उन्हें उतने आधे घंटे का वो एपिसोड बना के रेडी करना है और वो 12-13 घंटों में वो रेडी करके शूट उनको देना होता है, उसपे म्यूजिक जाता है, एडिट होता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, दूसरे भी डिपार्टमेंट्स को काम करना होता है, तो दे हैव टू हरी अप। वो इतने इत्मीनान से काम नहीं कर सकते कि चलो ये आज नहीं किया कल कर लेंगे, उसके बाद बहुत लंबी चौड़ी कास्ट होती है, हर एक को असेंबल करके रखना, हर एक के डेट्स हमेशा मिलना, टाइम हमेशा मिलना, तो उनकी कुछ सिचुएशन ही ऐसी होती है कि उनको एक तो फटाफट करना होता है, दे डोंट हैव टाइम टू यू नो एड मोर क्रिएटिविटी और कुछ इत्मीनान से करने का टाइम नहीं होता है। सेकेंडली क्या होता है कि वो लोग कहानी कुछ सोच के शुरू करते हैं लेकिन जब ऑडियंस शो देखने लगता है बहुत बार उनकी कहानी के अलावा कुछ और तरीका ऑडियंस को पसंद आता है तो वो फिर जो चल रहा है उस कहानी की तरफ मुड़ जाते हैं पब्लिक डिमांड की वजह से, तो उनके हाथों में भी बहुत बार टेक्निकली बहुत कुछ नहीं होता है। कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर का ट्रैक अगर ऑडियंस ज्यादा पसंद करती है तो उनको उसे तवज्जो देनी पड़ती है जो शायद उन्होंने सोचा नहीं होता है, जो ज्यादा ऑडियंस देखना चाहता है उन्हें वही उनको जो है ऑफर करना पड़ता है। तो ये ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिस वजह से जो सीरियल का काम है वो थोड़े समय के बाद बड़ा मोनोटोनस और बहुत बस काम करना है वाली स्थिति में आ जाता है, जबकि फिल्में या वेब सीरीज जो होती हैं वो उनके पास बहुत टाइम होता है, उन्हें मालूम है हमें 10 एपिसोड या 5 एपिसोड या 6 एपिसोड इतने टाइम में बनाने हैं, आज ये सीन नहीं हो रहा है कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक सीन किया, मुझे याद है गुल्लक में शायद एक बार ऐसा हुआ था कि कोई एक सीन पूरा कर दिया और दूसरी रात में जब डिस्कशन हुआ तो एक्टर ने भी बोला, डायरेक्टर ने भी बोला उतना मजा नहीं आया, वी शुड ट्राई वंस अगेन, तो उन्होंने वो सीन दोबारा किया पूरा का पूरा, पर ये गुंजाइश सीरियल में नहीं मिल सकती है। तो हम जब सीरीज में काम करते हैं या फिल्मों में काम करते हैं, एक तो यहाँ पे होमवर्क बहुत अच्छे से किया होता है, बहुत अच्छी तरह सारी प्रिपरेशन होती है। सीरियल में तो कभी कभी हम लोग जाते हैं सुबह और उस समय तक राइटर सीन ही लिख रहे होते हैं, फिर वो चैनल के पास जाता है, फिर चैनल वाले पास करते हैं, फिर वापस आता है, तो उतना टाइम नहीं होता है। और एक कहानी में कभी कभी शुरुआत 2 राइटर करते हैं या 1 राइटर करता है और 3-4 महीने के बाद 4-4, 5-5 राइटर होते हैं, तो पुराने राइटर्स निकल गए, उनके पास अभी दूसरा काम आ गया, तो कोई राइटर जिसकी वो कहानी नहीं है, उसने बस एक कहानी देख लिया अपने हिसाब से, जो उसने समझी उसके हिसाब से उसे फिर लिखना है, तो ये सारी चीजों से जो है उसका जो रस है वो थोड़ा कम हो जाता है काम करने में, वो बड़ा मोनोटोनस रोज करना ही करना है, आपको वर्क सेटिस्फेक्शन है या नहीं है तो, लेकिन नहीं है इतनी गुंजाइश कि आप बार बार करें, तो वो एक मजा नहीं रहता है सीरियल में, वो कंफर्ट और वो क्रिएटिविटी का सेटिस्फेक्शन, आपको अपने काम का सेटिस्फेक्शन फिल्म और वेब सीरीज में मिल जाता है। Yes, ma'am. बहुत, मतलब ऐसे ही होता है कि अगर चीजें ऑर्गेनाइज्ड हो तो वो टू द लाइन जाती है, बट जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहती तो फिर हमें भी ऐसा लगता है, हमें भी आदत हो जाती है, जैसे आपने बोला कि एक्टिंग की ऐसे है कि जस्ट यू आर गेटिंग द इंग्रेडिएंट्स एंड यू हैव टू पुट दैट इनटू इट, तो वही चीज है, और जब आपको वो चीज ना मिले तो आपको भी ऐसा लग जाता है कुछ नया नहीं है, हम अपने नया नहीं है, खाना तो बना दोगे लेकिन ये है कि चलो जीरा नहीं है आज, ऐसे खाली प्याज टमाटर से छोंक देते हैं, तो वो वाली बात हो जाती है। तो मैम, जैसे कि आपने संजय खंडूरी जी की डायरेक्टोरियल डेब्यूट 1:40 की लास्ट लोकल में गैंगस्टर चकली का रोल किया है,
जिसके लिए आपको मैक्स 10 स्टारडस्ट अवार्ड 2008 की कैटेगरी में ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस फीमेल के लिए नॉमिनेट किया गया था। सो इस रोल के बारे में हमें कुछ बताइए। ये बहुत इंटरेस्टिंग रोल है और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि काश इस तरह का रोल मुझे अब मिले, बिकॉज नाउ आई हैव ऑल्सो यू नो एक्सपीरियंस्ड अ लॉट, मैच्योर हो गई हूँ मैं। उस समय जब ये रोल मिला था तो बस ये था कि अच्छा कुछ इंटरेस्टिंग सा है और ये मेरी शायद पहली या दूसरी फिल्म ऐसे थी, तो बहुत ज्यादा समझ भी नहीं थी, मैं नई नई आई थी बॉम्बे में और संजय खंडूरी जी के जो डायलॉग्स थे उनका एक पर्टिकुलर मीटर था, तो वो ऐसा नहीं होता था कि आप लाइन पढ़ के इम्प्रोवाइज करके बोलिए, हमको स्क्रिप्ट को स्टिक टू द स्क्रिप्ट। सो मजा बहुत आया था क्योंकि ये बहुत ही वैकी कैरेक्टर है, मतलब जो जो मन आता है वो कहता है उसको, क्योंकि उसको तो एक गुंडे ने बड़ा किया है, पाला पोसा है, तो उसकी भाषा भी बहुत अलग है और उसको वैसे कोई तमीज नहीं है, बदतमीज टाइप की है कि मतलब सामने आदमी से क्या बोल रही है, क्या भाषा इस्तेमाल कर रही है, क्या सीरियस सिचुएशन है, वो सबका उसे सेंस ही नहीं है। वो एक मतलब जैसे लड़का गुंडा होता है, ये था कि ये पूरी लड़की है और गुंडा है, तो इसे प्ले करने में बहुत मजा आया था। वो जो मेरा सीन है, मैं उसे गोलियां मार रही हूँ और ये सब कर रही हूँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मजा आया था और ये बहुत ही वैकी कैरेक्टर था जिसका मतलब आपको पता नहीं है ये कब क्या कह जाएगा या क्या कर देगा। मैम, जैसे कि आपकी मूवी आने वाली है अच्छी, हम सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और जानना चाहते हैं आपकी इस अपकमिंग मूवी के बारे में और ये कब रिलीज होने वाली है। शायद इसको अभी एक दो महीने लगेंगे, नेक्स्ट मंथ तक शायद ये रिलीज हो। और जो फिल्म है वो पेपर प्लेट पिक्चर्स प्रोडक्शन हाउस की है और लकी हंसराज जो एक एड फिल्म मेकर है उनकी ये पहली फिल्म है, तो कहानी भी उन्होंने ही लिखी है और हम लोगों ने बदलापुर में शूट करी थी। कोरोना जो है वो उसका बैकग्राउंड है, कोविड की बैकड्रॉप पे ये फिल्म बनी है, लेकिन ये सीरियस फिल्म नहीं है जैसा आप लोगों को इसके प्रोमो से पता चली गया होगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, सटायर है ये, कॉमेडी के साथ साथ इसमें एक सटायर भी है सोसाइटी के ऊपर। और मेरा कैरेक्टर जो एक टिपिकल नैगिंग लेडी होती है ना, तो मतलब लेकिन गांव, मतलब स्मॉल टाउन ऐसे गांव की है, गरीब है लेकिन बहुत जो है तेज दिमाग है जिसका, ऐसे नहीं है कि जो आदमी ने कहा वो कर दिया टाइप वाली नहीं है, ये अपना दिमाग इस्तेमाल करती है और बोलती है, तो बहुत मजा आता है ये। बहुत मेरा इसमें 3-4 दिन का ही काम था लेकिन ये काम करके बहुत मजा आया, टीम बहुत अच्छी थी और आई होप ये जब फिल्म आएगी तो आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। डेफिनेटली, आई होप सो, ईगरली वेटिंग फॉर योर मूवी। तो मैम, जैसे कि आपने बात करी कोविड की, तो कोविड के टाइम पे आप भी एक मिसाल बनी है लोगों के लिए, आपने काफी, हमने आपको अलग अलग टाइम पे हमने देखा है आपको, आपने किस तरह से अपने आप फूड कुक करके डिस्ट्रीब्यूट किया है और आपने जैसे कि इस इनिशिएटिव को आपने कैसे शुरू किया और किस तरह से मतलब आपके आपने ये मूवमेंट लोगों को अपने से जोड़ा, मतलब इस टाइम पे आपने लोगों को कैसे अपने आप से जोड़ा। क्या हुआ था कि पिछला ये जो फर्स्ट ईयर था कोविड का, दैट टाइम आई वाज एट होम, आई हैड लॉस्ट माय फादर, सो आई एंड आफ्टर आई लॉस्ट हिम लॉकडाउन स्टार्टेड, तो आई वाज स्टक इन माय होम टाउन फॉर 4 मंथ्स। और उस समय पहले साल तो कुछ समझ में नहीं आया था, दैट ईयर आई वाज जस्ट यू नो एज एन वॉलंटियर आई वाज स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग पीपल थ्रू माय वीडियोस एंड दैट टाइम आई वाज शेयरिंग मैसेजेस, हेल्प मैसेजेस जो फेसबुक इंस्टाग्राम पे या पर्सनल व्हाट्सएप पे कहीं से आता था, तो मैं लोगों को तक हेल्प पहुंचाने के लिए अपने दोस्तों को या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को कॉन्टेक्ट करती थी। लेकिन सेकेंड ईयर में मैं बॉम्बे में ही थी और मार्च में मुझको भी कोविड हो गया था, तो एंड आई स्टे अलोन हियर विद माई हस्बैंड, वी बोथ गॉट पॉजिटिव सेम टाइम
एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. हमारा मतलब ये था कि हम खड़े भी नहीं हो पाते थे तो खाना कैसे बनाए. सो दैट टाइम अ फ्रेंड ऑफ माई माइंड शमीम शेख, शी स्टेज वेरी नियर बाय, वो मेरी बैचमेट है एनएसडी की, तो उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट 10 दिन तक ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर प्रोवाइड किया है. उनके हस्बैंड आके रोज मुझे खाना दे के जाते थे. सो जब मैं ठीक हो गई तो मुझे ऐसे लगा कि इतने सारे लोग हैं जो शायद हमारी तरह अकेले रहते हैं, या अगर पेरेंट्स को हुआ है तो बच्चे उनको नहीं, उनके संग कांटेक्ट कर सकते हैं, या बहुत सारे पेरेंट्स अकेले रहते हैं, बच्चे दूसरी सिटी में काम करते हैं. तो मुझे लगा ये बड़ा मुश्किल टाइम है और मुझे कुछ करना चाहिए लोगों की हेल्प करने के लिए. जैसे मैंने सफर किया है, मुझे मेरी फ्रेंड ने हेल्प करी है, देयर शुड बी समवन फॉर अदर्स. पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, बिकॉज मेरे पास मैन पावर नहीं थी और मेरे पास गाड़ी भी नहीं है कि मैं खाना बना के डिस्ट्रीब्यूट करूं बॉम्बे में. तो क्या हुआ, उसी दौरान मेरे घर में, मेरी फैमिली में, हल्द्वानी में भी मेरी फैमिली को एक साथ सबको कोविड हो गया था. एंड देयर वाज नो वन टू, यू नो, पूरे 8-9 लोगों के परिवार को खाना देना नहीं पॉसिबल था. दैट टाइम आई सर्च फ्यू टिफिन सर्विसेज इन हल्द्वानी और मैंने उनको बोला कि आप मेरे घर में ऐसे सिंपल खाना, मरीज वाला खाना पहुंचा दो. तो उन्होंने 1-2 दिन पहुंचाया था. उसके बाद मेरे जो रिलेटिव्स हैं और पड़ोसी हैं, उन लोगों ने मेरे घर वालों की मदद कर दी थी. तो मेरे पास उन टिफिन वालों का कॉन्टेक्ट नंबर था. फिर मुझे एक आइडिया आया कि यहां मैं नहीं कर सकती हूँ कुछ, बट हल्द्वानी में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, जैसे मेरी फैमिली है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी फैमिली में सबको कोविड हुआ है या किसी का कोई हॉस्पिटल में एडमिट है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो खाना कैसे प्रोवाइड करें. तब मेरे घर वालों को हल्द्वानी में कोविड हुआ था और उनको भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने वहां के कुछ टिफिन सर्विस वालों से कॉन्टेक्ट किया था और अपने घर में खाना पहुंचवाया था. तो बाद में मुझे ऐसा लगा मैं बॉम्बे में तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ, लेट मी ट्राई. और मैंने 3 टिफिन सर्विस वालों को कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने बोला, उनको मैंने बोला कि मैं ऐसे ऐसे फ्री टिफिन देना चाहती हूँ उन लोगों को जिनकी फैमिली में लोग पॉजिटिव हैं और जो लोग खाना नहीं बना सकते. अगर किसी का कभी होता है ना कि पेरेंट्स एडमिट हैं, बच्चे घर में हैं, कौन खाना बनाए, या कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चे एडमिट हैं और पेरेंट्स बुजुर्ग हैं, तो तब खाना कौन बनाए, या किसी के पेरेंट्स अकेले हैं, बच्चे आउट ऑफ सिटी हैं. तो उस तरीके से मैंने एक पोस्ट डाली अपनी फेसबुक पे, वसुदेव कुटुंबकम, और उसमें मैंने अपना एक नंबर डाला था, ऑल्टरनेट नंबर, और उसमें मैंने बोला था कि हल्द्वानी में जिसको भी ऐसा प्रॉब्लम है वो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करे और हम आपको फ्री टिफिन सर्विस देंगे. और पहले दिन से ही हमको जो है धीरे धीरे काफी फोन आया. ऑलमोस्ट हमने 25-30 फैमिलीज को टिफिन प्रोवाइड किया है, जिसमें से 4-5 लोग ऐसे थे जिन्होंने इंसिस्ट किया कि हम पे कर सकते हैं तो हम पे करेंगे, अदरवाइज द होल सर्विस वॉज फ्री टिफिन सर्विस फॉर ऑल द कोविड पेशेंट्स. उसके बाद ये देखने के बाद, रामनगर में एक बच्ची है जिसका नाम है बलविंदर, और वो मेरे ख्याल से शी इज नॉट मोर देन 20-24 ईयर्स. तो उसने मुझे कॉन्टेक्ट किया और उसने मुझे बोला कि कोई एक लड़का है उनके विलेज में जिसके फादर एडमिट हैं और उनके पास पैसों की कमी है, वो नहीं पूरा खर्चा उठा सकते हैं. तो मैंने उनको बोला फाइनेंशियली तो मैं भी बहुत नहीं हेल्प कर पाऊंगी, बट आई विल ट्राई समथिंग. एकाग्र है कोई एक मेरे दोस्त जिनको मैं सिर्फ फेसबुक के थ्रू जानती हूँ, मैंने उनकी पोस्ट देखी थी, उन्होंने पोस्ट डाली थी कि जिसको भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो वो हमको कॉन्टेक्ट करे. तो मैंने उन दोनों को मिला दिया था और उन्होंने उस लड़के की हेल्प करी फाइनेंशियली. तो वो बच्ची ने मेरे से बोला कि मैम हमारे गाँव में आप टिफिन स्टार्ट कर सकते हो क्या हल्द्वानी की तरह, अगर यहाँ पर जरूरत हो. तो मैंने कहा बिल्कुल करते हैं. तो हमने फिर एक और पोस्ट करी फेसबुक पे और उसने भी बहुत सारी जगह पोस्ट डाली कि रामनगर में जिसको भी ऐसे जरूरत हो हम फ्री टिफिन प्रोवाइड करेंगे. पर वहां पर से हमें कोई रिस्पांस नहीं आया 2-3 दिन तक. तो वो लड़की मेरे से कहने लगी मैम यहाँ पर तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज हैं ऐसी फैमिलीज की जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो आप उनकी मदद कर सकते हो क्या. मैंने कहा हाँ. मैंने कहा पर हम कैसे करें प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज आजकल क्या है कि
आजकल क्या, पिछली बार मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां पर लोग बेवकूफ बना देते हैं, उनके पास राशन होता है तो राशन मांगते हैं, पैसे जबरदस्ती झूठा केस दिखाकर पैसे मांगते हैं, बहुत सारी ऐसी धांधली होती है। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे अगर मैं किसी की मदद करूं या मैं किसी दोस्त को बोलूं मदद करने के लिए, तो एटलीस्ट वी नीड अ प्रूफ कि हाँ हमारा पैसा, हमें बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा। बिल्कुल। वो मुझे सबके पैन कार्ड लाके दे देती थी और उसके बाद वो एक राशन की दुकान पे जाके जितने भी लोगों की को जरूरत होती थी हम उनके किट रेडी करते थे और हम जीपे या पेटीएम से उनको पे कर देते थे और फिर वहां से वो राशन वाला किट बना के महीने भर का राशन हमने कम से कम 40-50 फैमिलीज को दिया है। इसी तरह मैं राजस्थान में फोक आर्टिस्ट थे तो उन लोगों ने भी ऐसे पोस्ट डाली थी कि हमारे फोक आर्टिस्ट के पास काम नहीं है 2 साल से, उनको राशन चाहिए। उधर भी कम से कम 24-25 फैमिलीज को हमने इस तरह से जो है राशन प्रोवाइड किया है। तो अब ये सिलसिला शुरू हो गया है अपने। उसके बाद जून जून एंड तक उन्होंने बोला अब तो नॉर्मल हो गया है, नाउ नोबडी नीड्स राशन। पर अभी भी क्या होता है कि अगर किसी का कोई हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको पैसों की कमी हो रही है या कहीं कोई बीमार है तो वो मुझे कोई भी कांटेक्ट करता है तो फिर हम कोशिश करते हैं हम जितने ज्यादा हो सके उनकी मदद कर सके। तो ये बस मैं अपनी कुछ दोस्तों के साथ और थोड़ा इंडिविजुअली जितना हो सकता है उतना काम करती हूँ। ग्रेट इनिशिएटिव मैम, वेरी ग्रेट, बस बहुत अच्छा है। मतलब आपने, मतलब एक छोटे छोटे क्लू से आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव खोला। ऑब्वियसली ये एक चेन बनती जाती है जब हम चेन बन जाते हैं। तो मैम वेरी ग्रेट इनिशिएटिव, मैम को मैं क्योंकि बहुत खासकर कोविड के टाइम से आपको फॉलो करना शुरू किया मैम, एंड आई हैव सीन पीपल, मतलब दे आर इन सो मच ऑफ यू, इतना थैंकफुल फील करना एंड इतनी दुआएं देते हैं वो, आई थिंक यू हैव डन अ कमेंडेबल जॉब मैम, थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशंस मैम, थैंक यू। तो मैम आपने, आप उत्तराखंड में अपना एक्टिंग स्कूल कब खोल रही हैं फिर? नहीं शायद मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं पर मैं यही बोलती हूँ कि एक्टिंग स्कूल खोल के कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आई कैन अश्योर देम कि एक्टिंग सीखने के बाद उन सबको काम मिलेगा। एक्टिंग का काम बड़ा इनसिक्योर जॉब है ये, और मैं किसी को ऐसे ना ऐसा कुछ नहीं करना चाहती हूँ जिससे लोगों में झूठी एक आशा बंध जाए। वैसे भी अभी हर घर में एक एक्टर है, हर कोई इतना एक्टिंग करने का शौकीन है और हर कोई बहुत कुछ कर रहा है, कोई टिकटॉक में कर रहा है, कोई यूट्यूब में कर रहा है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। और एक्टिंग से ज्यादा लोगों को ग्लैमर और जो चकाचौंध है उससे अट्रैक्शन होता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यहाँ आके इतना आसान भी नहीं होता है कि हर किसी को काम मिल जाए, इतने सारे एक्टर्स हैं, बहुत मुश्किल होता है। बॉम्बे की लाइफ बहुत महंगी है, लोग जल्दी परेशान हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है कब काम शुरू हुआ। आजकल तो सीरियल बहुत सारे 5-5, 6-6 महीनों में बंद हो जाते हैं, तो यू नेवर नो कोई काम अगर चल भी रहा है वो कितना लंबा चलेगा, और फिर पैसों की मारामारी होती है, मेंटल और इमोशनल टॉर्चर हो जाता है। तो मैं तो यूथ से या जो लोग आना चाहते हैं एक्टिंग के लिए यही कहना चाहूंगी कि बी प्रैक्टिकल, काम मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बी प्रिपेयर्ड विद अ प्लान बी कि आप कुछ और कर सकते हो, राइट क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है, कोई बड़ी तो बात नहीं है कि आपने एक्टिंग कर ली है तो कर ली, तो कर ली, नहीं करी तो कोई बात नहीं है, और भी बहुत सारे काम है दुनिया में और सारे काम इम्पोर्टेंट है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक्टिंग स्कूल इसलिए मेरे कभी इच्छा नहीं होती है कि मैं एक्टिंग स्कूल खोलूं। मे बी आई माइट स्टार्ट अ प्लेस वेयर पीपल कैन कम एंड टॉक एंड रिलैक्स, चाहे वो किसी उम्र के हों। तो मैं इस तरह का एक जो है सेंटर कुछ खोलना चाहूंगी, मेरी बहुत इच्छा है, जहां पर मैं जो बुजुर्ग लोग हैं, लाइक यू नो लाइक अ हॉस्टल, इफ आई कैन मेक अ हॉस्टल फॉर ओल्ड पीपल, बिकॉज मैंने देखा है जब किसी के घर में बुजुर्ग होते हैं तो वो बहुत बंध जाते हैं, बहुत बार अपने जो बुजुर्ग पेरेंट्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से जो यंग जनरेशन है उसकी लाइफ भी थोड़ा सा स्टक हो जाती है, कोई घर एक तो चाहिए कोई घर में, ऐसा बहुत जरूरी होता है। और जो बूढ़े लोग होते हैं वो धीरे धीरे बहुत लोनली फील करने लगते हैं क्योंकि हर कोई अपने काम में बिजी होता है, दे नीड कंपनी,
तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि एक ऐसी मैं जगह बनाऊं जहाँ पर जो बुजुर्गवार हैं उनके घर वाले उन्हें छोड़ के जा सकते हैं 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, या फिर दिन भर के लिए, एंड देन दे कैन पिक देम अप अगेन, जहाँ पर और बुजुर्गों के साथ वो अच्छा टाइम बिता सके, अपने मन की बातें कर सके। सो नाइस मैम, ये कितना सुंदर थॉट है एंड अपने में ही, क्योंकि आजकल हम सब अपनी रेस में, अपनी लाइफ की रेस में, जॉब की रेस में इतना बिजी हैं कि हम अपने फैमिली के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर्स जो कि सीनियर सिटीजन्स हैं उन्हें निग्लेक्ट कर देते हैं, और ना चाहते हुए भी वो निग्लेक्ट हो जाते हैं ऐसा। ये जरूरी नहीं होता है कि कोई खराब ही होता है, लेकिन क्या होता है कि लाइफ सबके लिए रुकती नहीं है, हर एक की लाइफ चल रही है, सो यू हैव टू वर्क। आज की दुनिया में बहू भी काम करती है, बेटी भी काम कर रही है, बेटा भी काम कर रहा है, तो ऐसे में मुझे मालूम है मेरे घर में, बिकॉज व्हेन माय फादर वाज इल तो मेरी भाभी वो कुछ नहीं कर सकती थी, बिकॉज उसको घर में रहना ही रहना पड़ता था। यू नो, अगर किसी को बाहर किसी सेरेमनी में भी जाना है, किसी रिलेटिव के यहाँ भी जाना है, दे कांट गो आउट ऑफ सिटी, तो इम्पॉसिबल ही हो जाता है। तो ऐसे में मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई बुरी बात है, अगर उनके पास कोई ऐसी जगह है जहाँ वो सेफ है, सिक्योर है, और जहाँ वो खुश भी है। घर में भी आप घर में पेरेंट्स को अकेला अगर एक मेड के साथ या हेल्पर के साथ छोड़ भी देते हैं, दे नीड समवन टू टॉक, दे नीड समवन विद होम दे कैन स्पेंड सम टाइम, अपने मन का टीवी देख सके, अपने मन की पेपर पढ़ सके, किताब पढ़ सके, शायद ताश खेल सके या लूडो खेल सके या कोई गप मार सके, धार्मिक आध्यात्मिक बात कर सके, जो और किसी के पास टाइम होगा नहीं। वो दूसरा इंसान ये करेगा तो कमाएगा कब? तो टू बी प्रैक्टिकल, एक मैं ऐसी जगह बनाना चाहती हूँ। आई डोंट नो कब बनेगी, क्या हो। नहीं मैम, बिल्कुल बिल्कुल जल्द ही बनेगी। और जैसे कि हमने एक्टिंग स्कूल के बारे में भी कहा मैम, जैसे हाँ ये बात सही है कि टिकटॉक है और बहुत सारे इंस्टाग्राम है, बहुत सारे ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ की जो यूथ है वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन मेथोडिकल एक्टिंग, मेथड एक्टिंग जिसे हम कहते हैं, क्योंकि आप NSD से हैं और हर कोई NSD की फीस अफोर्ड भी नहीं कर सकता है मैम, तो हम जरूर चाहेंगे कि आप इस तरह का कुछ गिविंग बैक टू द कम्युनिटी जरूर कुछ इनिशिएटिव कीजिएगा मैम, ताकि यहाँ के लोगों को मौका मिले कि आपसे सीख सकें। हाँ नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। देखो उस तरह से तो क्या है कि अगर थिएटर ग्रुप बनाए लोग ना, जैसे नैनीताल में बना था, उसके बाद थिएटर ग्रुप वाले NSD के जो स्टूडेंट्स हैं या NSD का जो स्टाफ है उनसे रिक्वेस्ट करके उनके उनके थ्रू अपने यहाँ वर्कशॉप लगा सकते हैं। NSD की वर्कशॉप लगती हैं, तो एक ऐसी जगह हो सकती है, बनाई जा सकती है, जहाँ पर लोग अगर आके थिएटर करना चाहें, उसके बारे में बात करना चाहें या कोई वर्कशॉप करना चाहें तो वो कर सके। वो बिल्कुल, वो सब उस सेंटर में सब हो जाएगा। अच्छा मैम, ठीक है। तो जैसे अगर आर यू ओपन टू कोलैबोरेटिंग विद द यूनिवर्सिटीज, क्योंकि मैम आजकल यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे थिएटर क्लब्स हैं, तो अगर आपसे अगर वो जुड़ना चाहें और किसी तरह आप अगर उनको थोड़े बहुत वेबिनार्स के थ्रू या जब आपकी कन्वीनियंस हो उसके मुताबिक अगर आप थोड़ा भी अपने विजडम को, अपने हुनर को अगर उनके साथ कुछ शेयर करना चाहें, तो आर यू ओपन टू दैट आल्सो मैम? आई एम ओपन टू दैट, बट द थिंग इज के मेरी जो गाड़ी है ना अभी थोड़ा पटरी पे चल रही है, टू बी वेरी फ्रैंक यू नो, तो राइट नाउ मेरा सारा का सारा फोकस अपने काम पर है। हां जी मैम बिल्कुल, यू नो ये सब मैं बिल्कुल करना चाहूंगी, लेकिन ये हो जाता है कि फिर अगर मैं किसी के साथ कोलैबोरेट करूंगी तो मैं मुझे उनको टाइम उतना देना होगा जितना वो चाहते हैं, पर राइट नाउ अभी मेरी ये सिचुएशन है कि मेरे को जो अच्छा काम मिल रहा है मैं एक बार वो काम कर सकूं, बिकॉज मेरी लाइफ में ये पिछले 4-5 साल से ही ये फेज आया है। बिफोर दैट आई वॉज समवन हु वॉज जस्ट वर्किंग एंड अर्निंग ब्रेड एंड बटर, नाउ देयर इज अ टाइम व्हेन I have, you know, people start recognizing me. They have started giving me good work, good roles. तो ये time को मुझको जो है अर्जित करना पड़ेगा, अपना अपने लिए खर्च करना पड़ेगा। तो not exactly right now. बड़प्पन है जो आप ये कह रही हैं, आप already हर घर में मौजूद हैं और हर कोई आपके characters को अपने से relate कर सकता है मैम। You are very kind and you are very humble. Thank you. Thank you, ma'am.
और मैम एक आपसे आखिरी क्वेश्चन, आपका सक्सेस मंत्रा क्या है? सक्सेस मंत्रा मेरा यही है कि वर्क ऑनेस्टली, वर्शिप योर वर्क, और नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ और योर वर्क और योर लाइफ विद अदर्स, बिकॉज सबकी जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है और सबका सक्सेस का डेफिनेशन अलग है. सक्सेस फॉर वन पर्सन इज डिफरेंट एंड फॉर अनदर पर्सन इज डिफरेंट. टू लुक हैप्पी इन फ्रंट ऑफ अदर्स इज डिफरेंट एंड टू बी रियली हैप्पी इज समथिंग डिफरेंट. ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे अगर पूरा संसार जानेगा तो मैं सक्सेसफुल हूं. मे बी इफ नोबडी नोज ओनली माई नेबर्स नो मी, देन ऑल्सो आई माइट बी अ सक्सेसफुल पर्सन. So never ever compare yourself. Look at your own journey. And you know, be happy with what you have. Try hard, but don't go mad. Don't be crazy for anything. Give respect to each and every human being. अगर हम अपने काम से honest रहेंगे, अगर हम अपने आप में focused हैं, हमें नहीं मतलब है दूसरे से compare नहीं कर रहे, तो पहली चीज तो अंदर frustration नहीं आता है. एंड सेकेंडली यू ग्रो, आपको थोड़ा एक रिवॉर्ड मिलता है कि ओके आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड टुडे आई एम हियर, सो यस थिंग्स आर हैपनिंग, यू नो, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट मैम, ना थैंक यू सो मच सुनीता जी, आपने इतना अच्छा इतना बढ़िया मैसेज दिया हमारे यंगस्टर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए. आपने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आई. आप सचमुच में हमारे उत्तराखंड की शान है मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. मुझे अच्छा लगता है कि आप जैसे यंगस्टर्स आजकल इतना अच्छा सोच रखते हैं, फोकस्ड हैं अपने काम के लिए और अपने अपने तरीके से यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी, विच इज वेरी क्रिमिनल. आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल यंगस्टर्स. थैंक यू मैम.